ईडी की कस्टडी में केजरीवाल, हिरासत में भी सहूलियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत सारी सहूलियत दी गई हैं। यानी कि उन्हें भले ही ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया हो, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें कई तरह की फौरी राहत दे दी गई है। इसके तहत केजरीवाल हिरासत के दौरान भी अपने वकीलों और पत्नी से रोजाना मुलाकात कर सकेंगे। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि ईडी के अधिकारियों को 28 मार्च की दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। जब जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही होगी और पूछताछ के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड पर रहेंगे तो उनको जेल की तुलना में कई सारी सहूलियत मिलेंगी। ये सहूलियतें क्या क्या हैं, बताते हैं। केजरीवाल से हर दिन 1 घंटे उनके वकील मुलाकात कर सकेंगे। केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से हर रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत होगी। कोर्ट ने केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की भी इजाजत दी है। केजरीवाल अपने निजी सचिव विभव कुमार से भी मिल सकेंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी ये राहत भरी खबर है। सुनीता केजरीवाल अपने पति की गिरफ्तारी का विरोध भी कर चुकी हैं। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है और लिखा है कि आपके 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हुए हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। जानकारी के मुताबिक इन दिनों केजरीवाल की सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, लिहाजा कोर्ट ने ईडी की हिरासत में उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई सहूलियतें देने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य को लेकर सहूलियत, केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया कराएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो केजरीवाल को घर का खाना खाने की भी इजाजत होगी। सुरक्षा को लेकर अर्जी, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक और अर्जी दी थी, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी। इस अर्जी में केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के ACP AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की गुहार लगाई गई। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें अदालत लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ भी इसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया था, जिसको लेकर लिखित शिकायत भी की गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के तौर पर 4थी बड़ी गिरफ्तारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईडी केजरीवाल से क्या उगलवाना चाहती है और क्या केजरीवाल के पास ईडी के सवालों के जवाब हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस 6 दिन की ईडी रिमांड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।